दोस्तों, गौर गोपाल दास जी को आप सभी जानते होंगे। उन्होंने जीवन के संघर्ष के बारे में कहा था कि जीवन है, तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। ये सच है कि जीवन में सुख दुख सुबह और रात की तरह आते और जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां बहुत समय तक रह जाते हैं। इस वीडियो में जो नियम बताने जा रहे हैं, अगर आप आज से ही इस नियम को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो इतना तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर आपकी किस्मत में कई वर्षों का दुख भी लिखा होगा ना, तो वो दुख कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा, और अगर कुछ दिनों का दुख होगा तो कुछ क्षणों में समाप्त हो जाएगा। मैं इस नियम को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, और इस वीडियो के लास्ट में एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है आपके लिए, जिसे अगर आप डेली रूटीन में अपनाते हैं तो वह आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अंत तक साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उस कहानी को। दोस्तों, एक कबूतर रेगिस्तान में रहा करता था। वह कुछ समय से बहुत बीमार चल रहा था और इसी वजह से उसके सारे पंख भी खराब हो चुके थे, जिसके कारण वह इतना खाना तलाश नहीं कर पा रहा था और कई दिन से भूखा था। एक दिन की बात है, एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर कबूतर उधर से गुजर रहा था, और दुखी कबूतर ने उस सफेद रंग के कबूतर को देखा और उसे रोका और उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो सफेद कबूतर ने उत्तर दिया, मैं दूसरे लोग का कबूतर हूं और दूसरे लोग में जा रहा हूं। बीमार कबूतर ने कहा, क्या तुम ईश्वर के दूत हो? सफेद कबूतर बोला कि हाँ, ऐसा ही समझ लो। बीमार कबूतर ने कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो? सफेद कबूतर बोला, हाँ हाँ बताओ, मैं कर दूंगा। बीमार कबूतर ने कहा, ईश्वर से बस इतना पूछकर बता दो कि मेरा दुख कब तक समाप्त हो जाएगा। उस सफेद कबूतर ने कहा, ठीक है, निश्चित ही पता कर लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। और उस सफेद कबूतर ने इतना कहकर बीमार कबूतर से विदा ली। मैं सफेद कबूतर देवलोक पूछा और उसने एक देवदूत से पूछा कि वह कबूतर कब तक ठीक हो जाएगा। देवदूत ने बताया कि उस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्षों तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है और उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना होगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। यह सुनकर वह सफेद कबूतर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वह तो पहले ही से इतना बीमार और दुखी है, अगर वह ऐसा सुनेगा तो वह और निराश हो जाएगा। उस दैवीय कबूतर ने उस देवदूत से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, एक उपाय ऐसा है जो उसके दुख को 7 दिन में ही समाप्त कर सकता है। यह सुनकर वह सफेद कबूतर बहुत खुश हुआ और बोला, कृपया आप मुझे वह उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने कहा कि हाँ, मैं बता सकता हूं। ध्यान से सुनो, अगर कोई प्राणी इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे तो उसके जीवन की कैसे भी समस्या समाप्त हो जाएगी। वह सफेद कबूतर बोला कि वह वाक्य है। देवदूत बोला, वह वाक्य ये है कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और वह दिव्य कबूतर जल्दी से उस बीमार कबूतर के पास पहुंचा और उस बीमार कबूतर को यह उपाय बता दिया। 7-8 दिनों के बाद वह सफेद कबूतर जब उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि वह कबूतर बहुत खुश था, उसके शरीर पर नए पंख उग आए थे। वह सफेद कबूतर बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के भाग्य में अगर 7 वर्षों तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, फिर भी यह पक्षी इतना खुश कैसे हो गया। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए सफेद कबूतर देवलोक में पूछा और देवदूत से पूछा कि बस इतना बोलने से इतनी जल्दी कैसे भाग्य बदल सकता है। तब देवदूत ने उत्तर दिया कि हां, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन वह पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र अदा कर रहा था। इसी कारण से उसका जीवन बहुत कम समय में बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने इन सब के लिए भी ईश्वर को कहा, इन सब के लिए ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। वे पक्षी उड़ नहीं सकता था तो उसने इन सब के लिए भी ईश्वर को कहा, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। उसे प्यास लगने लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है जो भी स्थिति हो। पक्षी इस बात को दोहराता रहा।
इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी और पाया कि बीमार कबूतर कितने कम समय में स्वस्थ हो गया और उसके पंख ठीक हो गए। अब वह खाना तलाश कर सकता था, मतलब कि उसका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका था। ठीक ऐसे ही अगर आप भी इस धन्यवाद और शुक्रिया जैसे भाव को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आपके किसी भी तरह के 2 परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकते हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज आपके पास क्या है और आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो आप अपने भाग्य को बदल रहे होते हैं, जिससे आपके जीवन में हर पॉजिटिव चीज में बरकत समृद्धि आने लगती। इस कहानी से आपने सीखा कि किसी भी चीज का आभार व्यक्त करना और उस चीज के प्रति शुक्रगुजार होना आखिर कैसे हालात और समय को बदल सकता है। यह मन का एक ऐसा भाव है जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेके जाता है, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है और अपने सपने सच करने हैं, तो आपको इस वर्ग को हर उस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो आज आपके पास है। अब मैं आपको पूरे दिन का एक रूटीन बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे धन्यवाद अपना के अपने जीवन में शामिल करना है। अगर आप मेरे बताए इस रूटीन को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं, ठीक उसी समय ईश्वर का ध्यान करें और उस सुबह के लिए, उस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने ईश्वर खुदा जीसस वाहेगुरु से दिल से बोलिए कि इस खूबसूरत सुबह के लिए और इस सफलता भरे दिन के लिए मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करें, तो अपने ब्रेकफास्ट की प्लेट को छूकर मन में ईश्वर को उस ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स बोले, धन्यवाद बोले, शुक्रिया करें। उसके बाद जब आप कोई काम शुरू करें या अपने बिजनेस या स्टडी के लिए घर से बाहर जाए, तो ठीक निकलने से पहले आप ईश्वर से बोले कि मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे वाहेगुरु, मेरे जीसस, आज सफलता से भरे अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ। मेरी इतनी अच्छी इनकम के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मुझे मेरे इतने अच्छे दोस्त देने के लिए आपका धन्यवाद, आपका आभार है। मेरे कार्य को सफल करने के लिए आपका आभार है और धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज कुछ नया सिखाने के लिए आपका आभार है और आपका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ठीक ऐसे ही जब आप दोपहर का खाना खाते हैं, तो आपको वही प्रोसेस दोहराना है जो आपने ब्रेकफास्ट के समय किया था, और रात के खाने के समय भी खाने की प्लेट को छूकर ईश्वर को धन्यवाद देना। वास्तव में अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आपके पास आज किसी भी चीज की कमी है, तो वह कमी कुछ ही दिन में पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसा इमोशन है, ऐसी प्रार्थना है, इसे आप जितना अपने जीवन में शामिल करेंगे, उतना ही आपका भाग्य सफलता की ओर चलने लगता है। आपके घर में धन, खुशी, समृद्धि आने लगती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समय है सोने से पहले का, और इसे ध्यान से समझें। आपको सोने से पहले पूरे दिन को मन में रिवाइज करना है और अपने छोटे अचीवमेंट के लिए धन्यवाद देना है। अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आप जो भी चाहते हैं, उसकी कल्पना करें कि वो पूरे हो रहे हैं, और ईश्वर से उसे पूरा करने के लिए एडवांस में धन्यवाद का ही शुक्रगुजार रहें। वास्तव में कुछ ही समय में वो सब आपके पास होगा जो आज आपका सपना है या आपकी इच्छा है। आपको सोने से पहले एक बार अपने ईश्वर से इस तरह से प्रार्थना करनी है, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे वाहेगुरु, मेरे जीसस, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद है, आपका शुक्रिया, और मैं आपका आभारी हूं। मेरे कार्य को सारे वर्ल्ड में प्रसिद्ध करने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और मैं आपका आभारी हूं। मुझे सफलता से भरे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। मेरे कार्य को सफल करने के लिए और मुझे सफलता देने के लिए आपका आभारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने आज जो कुछ भी नया सीखा है, उसके लिए आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
और आप इसका यूज जरूर करेंगे। यहां तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।